हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम देखेंगे जी न्यू वर्सेस चाउंडिंग दिया लूजर फाइनल एसटीएल सीजन 2। हाँ जी, कोरिया में तो टूर्नामेंट होते ही रहते हैं भाई, पता होगा आप लोगों को। तो आज जो है भाई एडी वर्सेस ब्रायन, और नी देखा जाए तो भाई दिन ब दिन ये बंदा स्ट्रांग होता जा रहा है और गेम को समझ रहा है। टेकन 8 जो है वह है ओनली फ्रेंचाइज है जो कि काफ़ी ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि इसमें जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं। टैग 2 अगर देखा जाए तो टैग 2 से टेकन 7 के अंदर सिर्फ मेजर चेंज जो था एक आर्मर मूव, यहाँ पे रेज आर्ट वगैरह थे, यहाँ पे रेज ड्राइव पास। उसके बाद जो है यानी वो कोई खास चेंजिंग नहीं थी, वो बाउंस की जगह पे आ गया था अपना वो स्क्रू टेल आ गई थी, तो वॉल कॉम वगैरह सब कुछ वही होता था सेम, कोई इतना इशू नहीं था। पर जबकि आप टेकन 8 देखो तो इसमें भाई बहुत सारे प्लस फ्रेम, वैसे कि ये भी हम कह सकते हैं कि अभी इस गेम को ना बैलेंस करना भी इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही अजीबोगरीब काम हो गया है। इस तरह नहीं होती थी कि इतना ज़्यादा गैस करे बंदा, टोटल गेम ही गैसिंग पे। और भाई नहीं ओ कॉम्बो ड्रॉप कर गया यार ये, नेवर माइंड, लेट्स सी द ओकी, नथिंग प्लस फ्रेम्स। ये जो हीट स्मैशर है ना, ये प्लस फ्रेम्स नहीं होने चाहिए, शुड नॉट बी प्लस फ्रेम, ये न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल न्यूट्रल बेस्ट है ऑन ब्लॉक, या फिर थोड़े से प्लस दे दें, 1+2 बस इतना काफी है यार, अगले बंदा भी कुछ कर सके ना, ये नहीं कि बस जी अब देख ही जाओ खड़े। वाओ नी को चेक करो भाई, ओ ले गया, वेरी नाइस। तो बैलेंस पैच इनको अभी, मेरा ख्याल अभी TWT की वजह से ना ये बैलेंस पैच वगैरह नहीं बना रहे, क्योंकि अभी सारा कुछ चेंज कर देंगे तो आखिरी टूर्नामेंट है उसमें कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है उस टूर्नामेंट के बाद इस सीजन 2 में मज़ा आएगा। आई थिंक गेम काफ़ी प्लेबल हो जाएगी, अभी जो है फिलहाल भाई तुक्के चल रहे हैं हर तरफ। अब विनिंग भी देख लो ना, अब कोई बंदा कोई भी जीत जाता है कहीं भी, लेकिन फिर भी यार स्ट्रगल होती है, एवं आम नहीं जीत सकते, मैं ये नहीं कह सकते भाई कि एवं भी नहीं हर कोई उठ के जीत सकता है, लेकिन फिर भी गेम को अभी थोड़ा ना चाहिए, बैलेंस चाहिए। ओ 3+4 काउंटर, वैसे ये मैच मैंने देखा नहीं है तो लेट्स सी। नहीं भाई बहुत फाड़ू हुआ हुआ आजकल, ब्रायन बड़ा हैवी चला रहा है ये, ब्रायन इसका भाई शुरू से है मेन, और जॉइनिंग अच्छा रहेगा यार इसका, आईडी आ गया सीजन 1 में ना, हम जैसे का देखो लाइव लॉन्ग, पता नहीं आना भी है कि नहीं आना, कोई पता नहीं भाई उसका, उम्मीद है वैसे सीजन 2 में आ जाए। लेकिन 7 में मेरे ख्याल सीजन 2 में ही आया था तीसरे नंबर पे, ये और आना दोनों एक ही साथ आए थे ना, मेरा ख्याल ऐसे ही था। और पहला मैच जी जीत गया अपना नी, जॉन्डिंग देखते हैं भाई अंडा तोड़ेगा कि नहीं। चलो भाई दूसरा मैच देखते हैं। और नहीं भाई आजकल बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है यार, आई एम इम्प्रेस्ड, लूजर फाइनल तक पहुंचा हुआ है ये बंदा, टॉप 3 में आ रहा है इजिली, इजिली आ रहा है टॉप 3 में। इन फ्यूचर जब गेम बैलेंस होगी तो भाई ये बंदा खतरा होगा सबके लिए। हीट सिस्टम यार इनको करना चाहिए नर्व, अभी भी हीट सिस्टम जो है ना ठीक नहीं है। अब जो है ना हीट स्मैशर उस पर चलो प्लस दें लेकिन कुछ कम, लेकिन जो हीट डैश है ना, हीट डैश वो भाई वो माइनस वो होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, माइनस ना करें तो न्यूट्रल कर दें या -1 या -2 इस तरह कर देना ज़्यादा ठीक है। हीट डैश जो होती है एक तो भाई उससे ब्लॉक करते हैं तो इतनी इतनी चिप डैमेज होती है उससे, चिप डैमेज के साथ साथ प्लस फ्रेम भी यार वो सही बात नहीं है। चलो हीट स्मैशर ना भाई ना, ओ ओ भाई मुझे नहीं पता था भाई, नहीं के नवे नवे हरकतें भाई, वो मैं समझा ड्रॉप कर गया यार, वेरी अमेजिंग लबल लो यार, एडिस वो ले गया, इसने उल्लू के पट्टे ने लो डबल मारी इसलिए थी ताकि वो एग्रेसिव हो, जैसे वो एग्रेसिव हुआ साथ ही उसने मार दी रेजार्ड, बहुत अच्छे, शुक्र है नहीं छोटी मोटी मूव मारता था, एल्बो वगैरह होती तो ये खुद ही जाता।
थ्री प्लस फोर की कोशिश पर नाकाम, और ओके मिड चेक लो, नो डक ऑन द हाई, वी गो नाइस, ओ पैरी लो पैरी, नाइस हो गया। आगे चेक करते हैं, ओके वी गो नाइस नाइस, सो गुड। अब लीडिया देखो, टेकन सेवन में लीडिया जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर थे, अब इसमें फारिग कर दिया भाई। अब हीट सिस्टम कितनी के देर होता है, हीट सिस्टम के बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं है उसके पास, फारिग। उम्मीद है उसको भी बैलेंस करेंगे, तो लार्स जैसे देख लो, लार्स भी कोई इतना खास नहीं है, ठीक है। लेकिन एट सेवन से एट कंपेयर करो तो अच्छा है, लेकिन अगर एट के बाकी प्लेयरों को देखो सबको, तो उसके मुकाबले में फारिग है भाई, कोई खास नहीं। ओके और ये नाइस, हियर वी गो नाइस मिड चेक, चॉन्डिंग काउंटर, ग्रेफ फॉलो अप, ग्रंटी फॉलो अप, ग्रे बार भी सारी गई। और ये लो भाई, चेक करो कितना डेंजरस आईडी चला रहा है ये, ओ चेक करो भाई, बहुत आला, नो राउंड राउंड, चॉन्डिंग क्रेजी कमबैक। अब नी जो है स्टेज सेलेक्ट पे गया भाई, कैरेक्टर चेंज नहीं करेगा। वैसे नी ने इसके अलावा और क्या खेला है टूर्नामेंट में, मैंने मेरे ख्याल में मुझे जहां तक याद है ये सिर्फ ये ब्रायन ही खेल रहा है। तो ड्रैगनों का बैलेंसिंग चेक करो यार, क्या बैलेंस किया, सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रैकिंग हटाई और थोड़ी बहुत डैमेज ना, बाकी वो उल्लू का पट्टा वैसा ही है। तो प्लस फ्रेम्स उसके वो जो मेन जो QCF4 जो है यार, वो ग्राउंड हेटेड नहीं होना चाहिए था यार, उसका वो भी नहीं उन्होंने रिमूव किया। चलो सीजन 2 का वेट करते हैं, देखते हैं। और लास्ट करेक्टर कौन सा आने वाला, ये भी कुछ समझ नहीं आ रही है। सारे कह रहे हैं म्यूथाई का करेक्टर आएगा, यानी कि ब्रूस, फाकुराम या जोसी, इन तीनों में से एक आएगा। म्यूथाई मार्शल आर्ट्स का आएगा कोई, तो देखते हैं भाई। बॉब भी कह रहे हैं कोई ना कोई, बॉब यार इसमें कैसा होगा, देखने वाला होना है बॉब भी। वैसे इन्होंने ना बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट किए टेकन 8 में, हर करेक्टर का डिजाइन और पर्सनैलिटी पे काम किया, जो कि अच्छी चीज है। तो बाकी गेम बैलेंस तकरीबन इनको करने में तकरीबन 6 मंथ और लग जाने, एक दो पैच और लगेंगे जिनसे गेम जो है ना काफी इंजॉयबल हो जाएगी। याद होगा यार एक बार इन्होंने टेकन 7 में पता नहीं कौन सा पैच था, जिसमें इन्होंने लार्स का 12 फ्रेम जो है इनटू साइलेंट एंट्री 1 ये सारा ग्रांटेड कर दिया था। तो भाई 2 से 3 दिन या 5 दिन के अंदर ही उसका दोबारा उन्होंने फिर रिवर्क किया था, जो कि बहुत ब्रोकन हो गया था। वो मूव थी आई 12, 12 फ्रेम स्टार्टअप था उसका, और 12 फ्रेम के साथ इतने सारा फॉलो अप ग्रंटी था, बग ही था वो तो, यानी उन्होंने किया नहीं था, एक किस्म का बग समझ लो, गलती से हो गया ना। तो लास्ट जो है ना, चलो छोड़ो यार उसको, इन पे फोकस करते हैं, फाइनल मैच है। और नाइस एल्बो ई डैश, हियर वी गो नाइस, दिस इज अ कॉम्बो, वेरी नाइस यार, इसके कॉम्बो जो है ट्राई करते की नाइस। और ये ओ नाइस, बच गया बच गया भाई बच गया, पकड़ी ओ पकड़ा गया पकड़ा गया। ये भी गो वॉल कैरी यस, ये डैमेज होने वाला अच्छे वाला नाइस। और ओ इंटरप्ट कर यार, ये बड़ी गंदी मूव है ब्रायन की यार, वो बंदा वो समझता कि ये होल्ड करेगा, उसके चक्कर में इंटरप्ट कर देता है, और जब वो होल्ड कर देता है वो ब्लॉक पे रहे तो बढ़ गया। ये ले ओ ले भाई, वेट सिचुएशन, ओए वाह यार नाइस, डैम सो रेडी मैन, टॉन्ट मारा उसने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे, व्हाट अ रीड एंड रिएक्शन फ्रॉम मैन, क्या रिएक्शन था यार इसका, बंदे का अमेजिंग, सो गुड, क्या बात है, उसे अपने ट्रैप में लेके आया भाई, बहुत आला, परफेक्ट ब्राइन, इसे कहते हैं परफेक्ट ब्राइन। हमारा भी भाई एक बंदा जीता है ब्राइन का ग्रैंड फाइनल,
इधर अपने पाकिस्तान में, और सौम्रा एक नाम है उसका, बंदा है भाई, उसका ब्रांड भी देखने वाला है, बहुत जबरदस्त है। वीडियो मैंने अपलोड की है उसकी, असद मुगल के साथ उसका ग्रैंड फाइनल है, देखना हो तो देख लेना चैनल विजिट करके। तो लास्ट मैच है, अगर नहीं जीत गया तो लूजर फाइनल FT3 ही होता है। हियर वी गो मैन, व्हाट एन अमेजिंग यार, बहुत ही आला के। ओ डैम, वेट सिचुएशन थी भाई, इसने भी अपना आईडी पूरा तैयार कर लिया भाई। विले होते हैं, विले नहीं मतलब कह लो इनका काम ही है, प्रोफेशन है, तो जाहिर बात है परफेक्शन तो दिखानी चाहिए। नाइस, हियर वी गो। ओके, ओए डाउन 3, ओ गया गया गया, तो 1 पिक्सल नहीं जाएगी क्या आखिरी पंच से? हियर वी गो, क्या अमेजिंग यार, नी बहुत आला। हियर वी गो, नाइस, हाँ, ओ फॉलो अप था ग्रेंटी पर, जॉर्डिंग ने मिस कर दिया। ओ ए काउंटर हिट लग गई, बढ़िया भाई, स्क्रू टेल नहीं किया, अच्छा जरूरत ही नहीं है भाई डैमेज देखो वैसे ही। सो नीज ट्राइंग बी अ लिटिल बिट अग्रेसिव, हाँ नाइस। ओ लुकिंग फॉर अ लॉन्चर हियर जॉन्डिंग एंड ही गॉट इट, हियर वी गो, वेरी नाइस। रेजार्ट या टाइम जाए कर देते हैं, उसे टाइम चाहिए भाई पानी शानी पीने का, सोचने का, इसलिए रेजार्ट लगाई है उसने। हियर वी गो, 1-1 राउंड, और अब भाई नाइस, ओ स्प्रिंग किक अच्छा काम कर गई, हैश किक लुकिंग फॉर काउंटर। ओ ओ यार वाह, ये तो बहुत जबरदस्त, साइड स्टेप इनटू लॉन्च, साइड स्टेप टू द राइट, ओके ओके आई गॉट इट, लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी प्लस फ्रेंड्स, गॉट इट, वाह भाई बंदा बस भाई चढ़ गया है, अब नहीं छोड़ेगा। दैट्स -13, हियर वी गो, ओ साइड वॉक टू द लेफ्ट, चेक करो यार बंदे की साइड स्टेपिंग चेक करो, पर पकड़ा गया फिर भी Back 3 काउंटर से, वेरी नाइस। जॉनिंग व्हाट यू गोना डू, गेट बैक योर मैच, स्वीप, वन मोर, चर्निंग ऑन द बोर्ड, चर्निंग ऑन द बोर्ड, ओ यस, वन मोर, एक और खेलना है भाई, एक और राउंड बस, और चर्निंग जाएगा फाइनल फाइनल तक। बट ओ यार, ओ वाओ, बैक ऑन द बैक, हाँ यस, ऑर्बिटल मार के उसे वहीं पे बिठा दिया। ओ नाइस ब्लॉक, नाइस, चेक करो चेक, यस ट्रांस प्रेशर बहुत है भाई इसमें, नहीं ओ ये ले गया ना करो ये, ओ ये छोड़ेगा भी इसको, ओ ड्रॉप द कॉम्बो, ओ ये जॉन्डिंग के साथ अच्छा नहीं हुआ, नहीं यहां से कुछ भी कर सकता है, पर जॉन्डिंग भी, ओ ये काउंटर हिट पड़ गई, देखा वेट सिचुएशन है, अभी भी वेट सिचुएशन है, एंगल, ओ वाह नो प्लस फ्रेम्स, आई सर्वाइव, नाउ वाओ रेजार्ड द पिक, वाओ मैन व्हाट एन अमेजिंग यार, क्या जबरदस्त टाइमिंग से रेजार्ड लगाई, और ये भाई विनर फाइनल से और लूजर फाइनल से जीत गया ये ग्रैंड फाइनल में। तो यही था भाई इसका बंदे का काम यहाँ पे, तो ये विनर गुलशान के साथ इसका ये वाला मैच भी मैंने अपलोड किया, अगर आप लोगों ने देखना हुआ तो देख लेना, तो बड़ा मजे का ग्रैंड फाइनल हुआ था ये भी भाई, स्पॉइल नहीं करना मैंने, आप लोग देख लेना खुद। तो यही था भाई इस वीडियो में, दैट्स इट फॉर द वीडियो, आप लोग पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।